लाइव है तस्वीरें और एक बार फिर आपके बीच आए हैं। जुगनू ने कहा गोली मार दो, लेकिन बदमाश हाथ कट कर ले गए और दो दिन तक उस फोन पर घंटी बजती रही, लेकिन कटे हुए हाथ उस फोन को नहीं उठा सके। रंजीशन इस तरीके से ये हालात पैदा हुए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि बदमाश इस तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा जिन हाथों से गोली चलाई है उन हाथों को लेकर के जाएंगे। जुगनू ने गोली चलाई थी, जुगनू ने कहा मैंने यदि गोली चलाई थी तुम भी गोली चलाओ, मुझे मार दो, लेकिन मेरे हाथ मत काटो। पहले गर्दन पर वार करने की कोशिश की, गर्दन को काटने की कोशिश की, फिर पांव को काटने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हाथ काट कर ले गए। पुलिस नाकाम है, बदमाश शातिर है और बेखौफ जो है घूम रहे हैं। बिल्कुल पूरे दिन के दिहाड़े में एक होटल पर यह वारदात होती है। तीन दिन पहले बनी एक गर्लफ्रेंड एक मोहरा बना करके उन्होंने जुगनू के पास भेजा, जुगनू को होटल पर लेकर के गई और दो तीन बदमाश जब आते हैं, जब जुगनू की उनके साथ हाथापाई होती है, लेकिन जब जुगनू उनके काबू नहीं आता तो सारे के सारे टूट पड़ते हैं। जुगनू के ऊपर एक कंबल या चद्दर डाल करके जो है जुगनू को काबू करके जुगनू के हाथ अपने साथ ले जाते हैं। तालिबानी आदेश हैं उन बदमाशों के, कहां से वो आए हैं, कौन वो लोग थे, लेकिन क्या ये ठीक किया? 3 साल की बेटी है लेकिन जुगनू के हाथ नहीं है उस बेटी को खिलाने के लिए। कई बार दर्द आता है इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आज जुगनू अपने घर पर पहुंचे हैं। पूरी कहानी जुगनू बताएंगे कि हुआ क्या था, किसने किया था, कौन वो लोग थे गए थे। और पुलिस अभी तक जो है इनाम रखती है 1,00,000 रुपए का, लेकिन पकड़ नहीं पाती है। सारी हरियाणा की पुलिस SP DSP लगे हुए हैं, लेकिन वो बेकूफ बदमाश जो है पुलिस के हाथे नहीं चढ़े हैं। तो जुगनू से ही बात करते हैं। जुगनू क्या हालात हैं इस समय? और एक मैं बात पूछना चाहूँगा जुगनू कि इस दुनिया में, क्राइम की दुनिया में कैसे आए, और क्या कभी अफसोस होता है कि ये गलत हुआ? गलत तो है जी, है जी। आए जी मैं होटल में बैठे आ गया, मैं चले गया, मैंने खाना लुआया जी, मैं बाथरूम करने चले गया, बाथरूम करके 10 मिनट में आया जी मैं बैठा, इतनी बार मैं आए दो तीन आगे तो मैं काबू नहीं आया जी। आ गए ना मेरे पीछे तो पल्ला गिर जी, ऊपर पल्ला गिर गया जी। फिर उन्हें पहले मेरी गर्दन काटने करी, फिर गर्दन काटने छोड़ दी, फिर पैर काटने करी, पैर भी छोड़ दी, फिर बोले भाई जिन हाथों ने गोली चलाई है ना ये हाथी काट कर ले जाएंगे इसकी। तो जुगनू ने किस कहाँ गोली चलाई थी? गोली तो जी जय सिंह पर चलाई थी जी। किसके साथ लड़ाई झगड़ा था? ये ठेकेदार के साथ था जी। क्या नाम है इसका? संजू मोणा ने गोली चलवाई जी, संजू मोणा ने करवाया जी काम। अच्छा, हाँ जी। तो जमानत से कब बाहर आए थे? 4 महीने हो गए जी आए ने। तो क्या काम काज करते थे कहीं बार बार अंदर? कुछ नहीं जी, घर पे था मैं तो अपने। तो कभी खतरे का आभास नहीं जी? मैं सब चीज़ें दूर हो रहा था, मैं घर पे था, मैं कुछ कर नहीं रहा था। उस दिन क्यों गए? बस जी मैं चले गया जी। उतन कारण भाई था, एक भाई की पेपर थे, मैं उसको कॉलेज में छोड़ गया। एक लड़की का फोन आया, मैं करनाल बस स्टैंड पे खड़ी है, करनाल बस स्टैंड पे थे, मेरे को बोली भाई झील मिल ढाबे पे खाना है। अच्छा, कुरुक्षेत्र से आगे है। मैं ढाबे पे गया, बस बैठा मैं बाथरूम होने के लिए गया, बस 10 मिनट के बाद ही पता नहीं कहाँ से आए 10-12 लोग आ गए, ऊपर पल्ला गिर गए, मेरे तो हाथ काट के ले गए। चिल्लाए होंगे जुगनू? हाँ, रुक के मारे, इतने बंदे थे होटल वाले ने, किसी ने कुछ नहीं कराया, वो कितने बंदे थे होटल में भी, किसी ने फोन नहीं किया। 1.5 घंटा मैं तड़प रहे उठा पड़े रहे हूँ, किसी ने कोई फोन किसी ने कुछ नहीं किया। एक बुढ़ा आया बाद में, किसने करी? एक बुढ़ा आया बाद में, उसने चादर बांध दिया, उसने फोन कराया, फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले के बाद एम्बुलेंस आई है। किसी ने कोई फोन नहीं कराया होटल वाले ने, किसी ने कुछ नहीं। किन लोगों के ऊपर शक है? मैंने संजू मोहाने का। संजू मोहाने? हाँ जी, हाँ जी, करवास के इन्हें कर रखा जी। हाँ जी, कोई मतलब पहचान हुई थी जैसे आप बता रहे? नहीं जी, मुंह लपेट हुए थे सबके। जैसे शुरू में 3-4 लोग आए उनकी कोई पहचान? ना कोई पहचान नहीं जी, मुंह लपेट हुए थे सब, सबके मुंह लपेट रहे थे जी। प्रशासन से मांग? सुरक्षा की मांग है जी, उन्हें पकड़ो जी जल्दी से, जैसे मेरे साथ हो ऐसे ही उनकी गली होना चाहिए जी। आगे जी प्रशासन देखेगा जी। 3 दिन पहले
एक फ्रेंड बनती है इंस्टाग्राम पर, और बहकावे में उसकी बातों में आकर के जुगनू चले जाते हैं। जुगनू पहले कहाँ गए? करनाल? हाँ, करनाल गए थे जी। अच्छा, करनाल से? करनाल बस स्टैंड से बिठा के ले गया। फिर मैं पहले कौन से होटल पे गए? उस पे गए, जिलमिल पे। और कड़ी मैंने बोला है मगर होटल पे और रुक ले, और रुकी नहीं है, बस जिलमिल पे जाना है। करनाल वाले जिलमिल है? नहीं, कुरुक्षेत्र से आगे, कुरुक्षेत्र से। हाँ, उस पे रुके थे। अच्छा, उन्होंने जिद की भाई वहीं जाना है? हाँ, उस पे जाना है जी। उसकी 10-15 मिनट बाद ही हमला हो गया मेरे पे जी। तो लेडीज भी निकल गई वहाँ से? हाँ, सब भाग गए जी। तीन दिनों में एक फ्रेंड बनती है जुगनू करनाल जाते हैं। जिस होटल पे वो लड़की ले जाना चाहती थी उस होटल पे वो लेकर के गई, खाने का ऑर्डर किया। जुगनू बाथरूम करने के लिए जाते हैं, हो सकता है उस दौरान उस लड़की ने उस होटल की लोकेशन या फिर जो है उन बदमाशों से बात की हो, और उसके बाद वो बदमाश उस होटल पर पहुंचते हैं और दरिंदगी दिखाते हैं कि हाथ काट करके वो साथ ले जाते हैं। फिर बताना चाहूँगा, उस फोन पर उसका, जुगनू का फोन, उसके हाथ, गाड़ी की चाबी। जुगनू किस चीज़ में देखा, किस चीज़ में डाल कर ले गए? लुफाफे में डाल के ले गए। मैंने इन्हू भी बोलिया, मैं मैंने गोली चला रखी, गोली मारी, गोली मार दो मेरा। इनको जी ना हाथों तो गोली चलाई है ना, मैं हाथ लेके जाने तेरे। अच्छा, पहले गर्दन काटने कोशिश? हाँ, गर्दन छोड़ी, फिर पैर की, पैर भी छोड़ दिए जी। हाथ ही लेके, हाथ लेके जाने तेरे। फिर मैं क्या बोलूँ जी, फिर बड़े बड़े बदमाश होते हैं, लेकिन किस प्रकार से तालिबाना आदेश की गर्दन काटने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पाँव काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में कहा जाता है कि जिन हाथों से गोली चलाई है उन हाथों को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। जुगनू के हाथ, वो फोन और गाड़ी की चाबी किसी एक लिफाफे में डाल करके वो अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस बहुत कोशिश करती है कि यदि वो हाथ समय से मिल जाते शायद आज ये हाथ जो है जुगनू के वापस उसको मिल जाते, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ तरीके से बिल्कुल खुले धड़ामे से जो है वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस पीछा करती है लेकिन कहीं भी उनकी कोई खोज खबर नहीं लगती। जुगनू अकेला जुगनू ऐसा नहीं है, बदमाश बहुत है, शातिर बहुत है, लेकिन पुलिस उनसे बहुत ज़्यादा सचेत होती है, समझदार होती है ढूंढ निकालने में, और पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास है लोगों का कि उनको जल्द पकड़ेगी, सजा दिलवाएगी। लेकिन जुगनू इससे पहले कितने समय पहले का जो जयसिंहपुर वाला कांड है? ये 2.5-3 साल पहला जी। क्या मामला हुआ था उस टाइम? वो ठेकेदार का था जी, और ठेकेदार का भाई के साथ था, झगड़ा था जी। अच्छा। मैं तो उसके साथ चले गया था, उस पर गोली चली थी उसकी गाड़ी पे, उसके बाद फिर यो काम करा जी उन्होंने, ठेकेदार न मोड़ने वाले ने। तो उस समय जुगनू ने ही गोली चलाई थी क्या? दीपू ने चलाई थी। अच्छा, दीपू ने भाई ने चलाई। जुगनू सिर्फ साथ था? हाँ, मैं बाइक चला रहा था। ठीक जी। तो इस 4 महीने में कभी खतरे का आभास, कभी कोई फोन कॉल आई हो या कोई रेकी करता हो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं आई जी। अच्छा जी, कोई नहीं आया। गांव में थे? हाँ, गांव में थे, घर पे था जी। मैं कहीं जाऊँ नहीं था जी, घर पे रहूँ था। तो अभी कैसा खतरा, परिवार को या आपको भी डर है? हाँ, डर है जी, माना सुरक्षा की मांग है जी माना। तो क्या कहती है पुलिस? पुलिस से किसी से कोई बात नहीं हुई, ना पुलिस ने कुछ बोला अब तक जी, ना कोई आया अब तक। पुलिस से पैसे गुआ रखे हैं जी, उन्हें मोटे, वो कहाँ करेगा जी। होटल वाले को ऊपर क्या शक है? होटल वाले का पूरा हाथ है जी उसमें। जिस तरीके से वो लड़की जुगनू को होटल पर ले जाती है और वहाँ जब चिल्लाता है जुगनू हाथ कटने के बाद, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, होटल के सारे करिंदे, कितनी गाड़ियां, कितने लोग थे उस समय होटल पर या काम करने वाले थे जुगनू? एक आभास हो जाता है होटल पर 10-20-30 आदमी हो होंगे, 40-50 बंदे तो होंगे आराम से जी। वो तो कैमरे बता देंगे, जिसके कैमरे लगे हैं होटलों पर जी, 40-50 बंदे थे जी, 8-10 गाड़ी भी खड़ी थी जी बाहर। भाग गए मौके से सारे? सब भाग गए जी। हाँ, कोई नहीं मिला, सब भाग गए थे। जब ऐसे हालात होते हैं तो करिंदे जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ रखते हैं, या होटल का मालिक है वो भी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की ये बू उस लड़की के अंदर से,
उस होटल मालिक की ओर से, और पुलिस प्रशासन लगातार जो है लगा हुआ है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कब तक जो है उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो विषय होता है उसको आउट नहीं करती, कहाँ उनके तार जुड़े हैं, कैसी भाषा जुगनू वो बोलते होंगे, सुनाई तो दिया होगा, कैसे कैसे वो लोग थे? रोहतक साइड की भाषा थी जी, करनाल साइड की पंजाबी बोल रहे थे जी। अच्छा, तीन भाषा थी जी। तो सबसे पहले पकड़ा तो क्या कहा? कुछ नहीं, हरियाणा के थे, इसके करनाल साइड के थे जी, पहले बोला जी कहाँ बात जगह, मैं दो तीनों को तो काबू भी को नहीं आया जी, मैं फिर उन्होंने रुका मारा, फिर आए मैं भाग का ही। अच्छा हाँ, उन्होंने आकर फिर पर्चा जुदा डाली मेरे, फिर तो मैं नीचे घेर लिया जी, उन्हें फिर तो हाथी काटने लगे जी, वो ले रहे थे जी गंडे काटने वाली, वहाँ गंडे काटने वाली बड़ी ले रहे थे वहाँ। अच्छा हाँ जी, मैंने भी कहा गोली मार दो, ना हाथी काटेंगे, कोई छाती बैठा था जी, कोई टांगा बैठा था जी। अच्छा हाँ जी, 12-14 आदमियों ने एक बंदे को दबा लिया। हाँ जी हाँ जी। तो जुगनो आप लोग भी ऐसा करते हैं, मान लीजिए इस दलदल में फंसे हुए हैं, तो क्या कभी दिमाग में भी ऐसा आया कि भाई इस प्रकार की दरिंदगी, चलो आपकी मुठभेड़ होती है, एक तरह का गैंगस्टर है, आपके गैंग भी बने होंगे, लेकिन क्या कभी दिमाग में भी ऐसा आया कि किसी आदमी के साथ इस तरीके से पांव हाथ या काटे जाए? नहीं जी, मेरे दिमाग में कभी ऐसी बात आई भी नहीं, मेरे दिमाग में तो सिर्फ इन्हू आया जी, मैं मारने गोली मारने अगले गए, कभी ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, मन में भी नहीं सोचा जी। देख लो जी आप कितना बड़ा गांडू काम कर गए जी। तो किस तरीके की सोच के आदमी होंगे वे? तो कसाई तो ऊपर थे जी, मैं तो उन्हें नहीं कुछ भी, थोड़ी रहम भी करे जी, हम भी नहीं घबराए जी, महले जा तू हाथ के तुम नेट भी तैर कर ले जा, मैं तू गोली मार जी, दोनों हाथ भी ले गए जी, जब तुम्हें मैंने बोलिया मैं गोली मार जे भी, फिर तुम्हें फॉर्चुनर गाड़ी में लास्ट में बैठ गए जी, बैठ के फॉर्चुनर गाड़ी थी। परिवार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दर्द मिला है, दुख मिला है, जुगनू ने कहा गोली मार दो, जान से मार दो, लेकिन उन लोगों ने हाथ काटे और ये कहा कि इन हाथों से गोली चलाई है, और इस समय पुलिस प्रशासन से मांग है, परिवार को सुरक्षा चाहिए, जुगनू को अपने लिए सुरक्षा चाहिए, और वो जो बेकूफ बदमाश जो घूम रहे हैं खुलेआम, तो जुगनू आप कितने लोग बाहर हैं और कितने जो है, कि तीन लोग थे आप, तो कितने लोग जो है जमानत पर है? दो जमानत पे जी, दीपू नौ विकास सर मैं तो जमानत पे है जी, दीपू अंदर है जी। तो विकास को भी खतरा होगा? हाँ जी है जी, खतरा है जी, एक अंदर है, एक अंदर है जी। हाँ, तो वहाँ जैसे आपने FIR दर्ज करवाई है, अपना बयान नोट करवाया है, तो पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई किसी तरह कुछ नहीं करवाई की, जिनका चल देखेंगे जी कुछ करेंगे, अब तक कुछ नहीं करा जी पुलिस ने भी, करनाल की चाहिए थी जी सारी। इस दलदल में फंसे जुगनू, तो कभी महसूस भी होता है गलत किया, आपने भी किसी के साथ या आपके साथ गलत हुआ? हाँ जी, ये तो बहुत घना गलत करया जी, माने इतना कभी गलत नहीं करया जी किसी के साथ, उन्होंने तो घना गलत किया जी। जुगनू का ये कहना कि जो दरिंदगी उन लोगों ने दिखाई है, कसाई उनको कहा कि जिस तरीके से उन्होंने एक वार किया है, जुगनू आज लोगों के बीच में तो है लेकिन कहीं ना कहीं मौत से भी ज़्यादा पीड़ा आज उनको महसूस हो रही है, और आज ही अपने घर पहुँचे हैं, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि जिस प्रकार से वो बदमाश वो हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, जल्द से उनको पकड़ा जाए, इनके परिवार को सुरक्षा मिले। लेकिन दोस्तों सचेत जरूर रहिएगा, जिस प्रकार से 2 या 3 दिन पहले एक लड़की इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बनती है, बहकावे से जुगनू को बुलाती है और जुगनू के ऊपर वार होता है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की दरिंदगी, इस प्रकार का वार, और आज परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, एक दर्द है इनके मन में कि जो ये वार इन लोगों ने किया है। लेकिन जुगनू यदि वो लोग खुले में आपको चैलेंज करते, क्या स्थिति होती? खुले में मैं कह दंदा जी, जो उन्होंने गोली मारा गोली मार देंदे जी, यू क्या था जी हाथ काट के ले गए, यह तो कोई बदमाश वाली कोई बात नहीं है जी, यह तो गांडू हरकत है जी, ऐसे तो बदमाश होते जी गोली मार दे जी मेरा, मैं कल्ला भी था गाँव में भी था, सारी जगह खेत में भी जाऊँ था अपने।
अच्छा उस दिन से गांव में रहते थे? हाँ मैं गांव में था जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जी। खेती बाड़ी क्या कर रहे थे? हाँ अपना खेत में चला जाऊँ था, घर आ जाऊँ था। तो कभी ऐसा महसूस कोई रेकी करता हो या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा कोई डाउट नहीं था, वो डाउट था जी मुआने वाले पर डाउट था, इतना नहीं था किसी पे। मैं गांव में तो बैर कहीं मैं जाऊं नहीं था जी उस दिन, पर बहकावे में चले गए। हाँ जी हाँ जी। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है तेज कार्रवाई करे, उन बदमाशों को पकड़े, क्योंकि जिस इलाके में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अनिल विज का ये बयान कि बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दे या फिर बदमाशी छोड़ दे, लेकिन बदमाश भी हरियाणा में है और बदमाशी भी हरियाणा में है। वो बदमाशी अपना रूप बदल चुकी है, वो हमलावर हमलावर नहीं रहे, अब वो हत्यारे हत्यारे नहीं रहे, वो जो है इस प्रकार से हमला करते हैं कि वो कहीं ना कहीं तालिबानी फरमान महसूस होता है। तो दोस्तों तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार के लोगों से सचेत जरूर रहिएगा, क्योंकि ये लोग आपके कहीं आसपास ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।